बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या किया है कि हमने S3 पे फाइल अपलोड करने के लिए जो सर्विस क्रिएट करनी है, जो हमने क्लास लाइब्रेरी क्रिएट की है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, उसको प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर एक ASP.NET कोर की एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और उसके अंदर उसको यूज़ करेंगे। ये जो हमने एप्लीकेशन पिछले वीडियो के अंदर दो वीडियोस में हमने ये कवर किए विद द क्लीन आर्किटेक्चर, ठीक है, दो वीडियोस में इसलिए गई ताकि हम हर चीज़ को बिल्कुल बेहतर से बेहतर कोड में रख सकें, ठीक है, स्टेबल में रखें ताकि इजी टू मेंटेन हो। हमने कहीं भी किसी भी चीज़ का कोड किसी दूसरी क्लास में मिक्स नहीं किया, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक वेब एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड कर लिया है MVC कोर का। तो सबसे पहले हम डिपेंडेंसीज पे जाते हैं और अपनी प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जो कि ऊपर एक क्लास लाइब्रेरी है S3 की, जिस पर हमने पिछली दो वीडियो में काम किया। अब यहाँ पर आके देखेंगे आप, S3 का प्रोजेक्ट मेरे पास रेफरेंस में ऐड हो चुका है, डिपेंडेंसीज में ऐड हो चुका है। सो इट इज़ रेडी टू कंज्यूम इन दैट वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। सिंपली मैं आऊँगा होम कंट्रोलर के ऊपर और ये जो व्यूज़ हैं, एक्शंस हैं, इनको मैं रिमूव करूँगा। और अभी फॉर द सिंपलर वे मैं एक ही एक्शन रखना चाह रहा हूँ जिसका नाम है इंडेक्स। तो उसके दो एक्शन होंगे, एक HTTP गेट और एक HTTP पोस्ट। तो HTTP गेट अभी और जनरली नो कि जब एप्लीकेशन को फर्स्ट हिट लगेगी जो उस पेज को इंडेक्स वाले, तो वो गेट रिक्वेस्ट के अंदर उस पेज को विजिबल करेगा, उसके जो डेटा वेटा सेट करना है वो होता है। पोस्ट में क्या होता है कि हम बटन इवेंट या किसी इवेंट के थ्रू डेटा पोस्ट करेंगे। सो मुझे एक इमेज पोस्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई फॉर्म फाइल। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आई फॉर्म फाइल से वो आपकी इमेज लेके आएगा, आप कोई भी चीज़ इससे यहाँ से ला सकते हैं, फाइल अपलोड कंट्रोल से, फ्रंट एंड से। इसके अंदर आप इमेज ला सकते हैं, वीडियो ला सकते हैं, यू कैन टेक PDF फाइल, यू कैन टेक एनी डॉक्यूमेंट, वर्ड, टेक्स्ट, एनीथिंग, ठीक है। बट आपने देखा होगा कि पिछला कोड जो हमने लिखा है ना, वो कोड जो है हमारा डेट इज़ जेनरिक, हमने कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आप क्या अपलोड करोगे। हमने कहा है कि S3 पे आप ऑब्जेक्ट अपलोड करोगे, कुछ भी अपलोड कर सकते हो, यू कैन अपलोड एनीथिंग, ठीक है। बट रिस्ट्रिक्ट हम कहाँ करेंगे, देखो हमने उस कोड को वहाँ पे फिक्स नहीं किया, जेनरिक रखा। अब उसको आप फिक्स कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन लेयर पे, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, एक सेपरेट मेथड बना सकते हो। बट फॉर द करंट सिचुएशन मैं कोई सेपरेट मेथड नहीं बनाऊंगा इस प्रेजेंटेशन लेयर पे, मैं इस बात से रिस्ट्रिक्ट करूंगा कि जो अपलोड कर रहा है वो इमेज अपलोड कर रहा है। तो ये कोड आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हो और इट्स नॉट वेरी यू नॉट ट्रिकी, आप उसको कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ S3 डॉक्यूमेंट से इसका मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ, बट पोस्ट में, सही है, और आप उसको क्रिएट कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू पुट अ चेक विद द एक्सटेंशन फाइल, आपको सर्वर एंड पे लगानी है तो आप क्या करो, फाइल जो भी अपलोड हुई है उसकी एक्सटेंशन चेक करो और वहाँ से आप देख लो कि भाई हाँ मुझे ये फाइल की एक्सटेंशन मेरी एक्सटेंशन से मैच करती है, इमेज है तो इमेज का ही फॉर्मेट मिल रहा है, एक्सटेंशन मिल रहा है, वीडियो है तो वीडियो का ही मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा मुझे, सही है। फ्रंट क्लाइंट एंड से भी आपके पास 100 तरीके हैं वैलिडेशन लगाने के, सो इट इज़ नॉट वेरी ट्रिकी पार्ट। तो हम इस वीडियो के अंदर नहीं करने वाले, हम क्या करने वाले, बस फाइल को यहाँ प्रोसेस करेंगे और अपलोड करेंगे। सो वेट करते हैं जब तक ये बने, इसका फोल्डिंग हो रही है। ठीक है, देखिए मेरे पास व्यू बना हुआ आ गया। तो हम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी पूरी ऑडियंस जो है वो इससे फेमिलियर होगी, ASP.NET Core MVC से, एटलीस्ट ASP.NET MVC से वो फेमिलियर होगी। सो मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, मुझे जैसे एक कंट्रोल रखना है जो कि फाइल अपलोड करने में मेरी हेल्प करेगा, जिससे मैं फाइल अपलोड कर सकूँ। तो आप देख सकते हो मैंने सब कुछ यहाँ से रिमूव कर दिया। एक बात हमें पता है कि हम यहाँ पे जब कोई चीज़ अपलोड, फाइल अपलोड कर रहा हूँ, तो हमें एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है, इनक्रिप्ट टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा, और यहाँ पर इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू फाइल कर देता हूँ और नेम इज ऑल्सो फाइल, ठीक है। अच्छा देखें, जो नेम यहाँ प्रोवाइड किया ना पैरामीटर में भी आपको वही, मैंने यहाँ पे FILE लिखा है। तो जब आप एक्शन पे आएंगे ना, एक्शन पे देखें आई फॉर्म की फाइल के बाद जो मैंने ऑब्जेक्ट का नेम रखा है वो फाइल रखा है, वो इससे उठाएगा, ठीक है, अगर आपने उसका चेंज कर दिया नहीं। तो यहाँ पे आप देखें कोड को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, प्रोसेस द फाइल। इस प्रोसेस द फाइल में आप पहचान सकते हो कि भाई आया जो चीज़ अपलोड हुई है वो इमेज है या नहीं है, ठीक है। कॉल द ट्रांसफ़र यूटिलिटी जो कि S3 के ऊपर अपलोड करेगी, ठीक है। और चौथी चीज़ के S3 पे तो अपलोड हो गई, बट आपके पास आपकी डेटाबेस में भी तो कोई ट्रैकिंग होगी, जब आप उसको रिट्रीव करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे, डायरेक्ट S3 से बकेट की सारी लिस्ट मंगवाना इज़ नॉट फाइन,
आपको एक बंदे की प्रोफाइल इमेज मंगवानी है तो DB में भी तो उसका नाम होना चाहिए ना, तो वो जो लास्ट वाला कोड पीस ऑफ कोड होगा वो ये होगा। अच्छा फर्स्ट मैंने ये कॉपी पेस्ट कर दिया अपना कोड, विच इज़ नॉट वेरी ट्रिकी पार्ट, मेमोरी स्ट्रीम मैंने उठाया है, ठीक है, मेमोरी स्ट्रीम में कॉपी डॉट टू असिंक किया है उस फाइल को, और तीसरी लाइन में फाइल का एक्सटेंशन निकाला है, उसका नेम निकाला है, और फिर उसको अपनी मर्जी का एक नाम असाइन करूँगा मैं यहाँ पे। फिक्स किया हुआ था पहले मैंने टेस्ट करते हुए S1, तो अब मैं GUID यूज़ करूँगा ताकि हमेशा सिस्टम वाइज यूनिक नेम जनरेट हो, तो बकेट पे भी जो ऑब्जेक्ट अपलोड होगा ना तो उसको वर्जनिंग एक सेपरेट थिंग, इसका कोई दूसरा वर्जन क्रिएट नहीं हो, एक नई फाइल क्रिएट हो, बिल्कुल नया फाइल अपलोड हो, ठीक है, ताकि नाम भी यूनिक हो। तो न्यू GUID मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, और अब हाँ ठीक है, देखेंगे यहाँ तक हो गया, फाइल का नेम मिल गया हमें, मेमोरी स्ट्रीम के अंदर वो कॉपी हो चुका है जो डेटा ऊपर से आ रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पे मुझे वो सर्विस ऐड करनी होगी हमारी जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, IIS3 सर्विस के नाम से आई मैंने बनाई थी शायद ये, हाँ इसको इंजेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यूजिंग इसका रेफरेंस ऐड कर देते हैं, ठीक है, S3, और यहाँ उसके बाद अंडरस्कोर लगाने, प्राइवेट रीड ओनली है ये, पैरामीटर ऐड करते हैं, राइट। तो ये कोड फ्लेक्सिबल है मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है कि हाँ यार इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड है तो आप यू कैन कमेंट डाउन इन द वीडियो, अब मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का, तो प्लीज़ यार बताओ ज़रूर कि इसकी ये इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो मेरी नज़र से ये कि मैंने सेपरेट रखा है तीन चीज़ों को, देखो सेपरेट मैथड बना सकते हो आप प्राइवेट और उसको यहाँ कर सकते हो शायद, बट राइट नाउ मैं फॉर द वीडियो ट्यूटोरियल्स में बिल्कुल इतना टाइम, क्योंकि आप देखो इस वीडियो में मुझे 15 मिनट लग जाते हैं, मैं इस चीज़ को जल्दी कर रहा हूँ बट बेहतर से बेहतर तरीके में, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, उसको कॉल S3 का मॉडल बनाया पहले अपलोड करने के लिए, आपको पता होगा कि मैंने S3 के अंदर बताया था कि इनपुट मॉडल, पिछली दो वीडियो अगर आपने नहीं देखी लाजमी आपको देखें, और तीसरी वीडियो में मैं यूज़ करके बता रहा हूँ इसको कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो, जिसको डॉक्यूमेंट इज टू दिस। अब मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बिल्कुल ये बताया था कि S3 का जो ये मॉडल है ये तीन चीज़ें पकड़ेगा, नंबर 1 लेट मी डिक्लेयर दिस के ज़्यादा वेट आएगा, तो जब तक ये वार्निंग एरर नहीं जाती ना मेरे में सुकून नहीं आता। देखें ये तीन चीज़ें, नंबर 1 इज बकेट नेम, इनपुट स्ट्रीम इनपुट और की इज़ द फाइल नेम, हम मैं कई दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, ये कोई एक्सेस की या सीक्रेट की नहीं है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजिंग स्टेट ना रहे। की इज़ योर डॉक्यूमेंट नेम, जो भी आप फाइल का नेम बना चुके हैं, ठीक है, और इनपुट स्ट्रीम इज़ द मेमोरी स्ट्रीम जो कि यहाँ से ये पूरी आ रही है, ठीक है। मैंने देखो फाइल को कॉपी डॉट टू असिंक कर दिया, तो वो जो भी बाइट्स होंगे वो इसके अंदर न्यू मेमोरी स्ट्रीम के अंदर होंगे। और एक चीज़ तीसरी, बकेट नेम, अब अगर बकेट नेम प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो डिफ़ॉल्ट बकेट नेम, हमने पिछली वीडियो में कहा था ना कि वो हमने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है कि आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो डिफ़ॉल्ट बकेट में डाल देगा, ठीक है, और एक रिज़ल्ट देगा। अब रिज़ल्ट में क्या होगा, एक स्टेटस कोड होगा और एक मैसेज होगा कि भाई अपलोड हुई या नहीं हुई, और अगर हुई तो कौन सी बकेट में हुई ये भी मैसेज आएगा, और नहीं हुई तो एरर भी बताएगा, स्टेटस कोड भी बताएगा। सारा काम हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है। तो व्यू बैक के थ्रू अभी इसको ट्रैक कर लेते हैं, जो भी एरर होगा वो व्यू बैक के अंदर हम फ्रंट एंड पे शो करा देंगे डॉट मैसेज, ठीक है। वैसे तो यार इस तरह के जो मैसेजेस हैं जो डेवलपर एंड के होते हैं तो वो नहीं शो कराने चाहिए, बट मैं अभी डिबगिंग कर रहा हूँ ना, डिबगिंग स्टेट पर ही होगा ये, क्योंकि अभी एक दफ़ा ही प्रोजेक्ट नहीं चलाया तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। बट कभी भी अपने इंटरनल एरर सर्वर एरर नहीं शो किए जाते। आपको कोई एक TTO या कोई जेनरिक सा मैसेज बना के रखना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, कॉन्स्टेंट के अंदर, या फिर कोई एक जेनरिक क्लास बना लें जहाँ आपने जेनरिक से मैसेजेस लिखेगा, ठीक है। बिफोर द डिबगिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये इट इज़ फाइन कि भाई क्या मसला है, बट एंड यूज़र को नहीं बताना कि क्या मसला है, ठीक है। अच्छा अभी ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन, आपको ये इंजेक्ट करनी है, सर्विस को रजिस्टर करना होगा यहाँ पे कॉन्फ़िगर सर्विस में, वरना ये कोड नहीं चलेगा, सही है। अब मैं इसको रन करने वाला हूँ,
मैंने वीडियो सीरीज को थोड़ा सा लॉन्ग किया, बट आई बिलीव कि जो बंदा इस पूरी वीडियो को देखता है ना इन तीनों को, तो उसको बहुत फायदा होगा, उसको बहुत अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस का आइडिया हो जाएगा। और अगर आपको कोई कंफ्यूजिंग स्टेट पर आप कहीं पर हैं कि मैंने ये चीज़ क्यों की, आप डायरेक्टली मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आई बी अवेलेबल फॉर एनी टाइम। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट कि आई एम डूइंग दिस फॉर एडसन और एनीथिंग एल्स फॉर द मनी और, ठीक है, इट्स लाइक अ कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी, जो देंगे वही चीज़ वापस आनी है हमें। अब डीबगिंग स्टेट करते हैं यहाँ पे। ओके 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 ओके, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो क्या हुआ है, डॉक्यूमेंट नेम, अब देखें यहाँ तक तो सही। ओके, जिसको जिसने नेम भी असाइन कर दिया फाइल का, एक्सटेंशन उठाई जो मैंने अपलोड की, मैंने चेक नहीं लगाया, आप चेक लगा सकते हैं कि भाई PNG नहीं है, JPG नहीं है, तो आगे ना बढ़ाओ कोड को। ठीक है, मैंने वो सारी कहानियाँ नहीं की अभी, डायरेक्ट चला रहा हूँ अपने कोड। ठीक है, आने वाली वीडियो में कर दूँगा नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। ये अब देखें, ओके क्रेडेंशियल्स भी उठ गए, देखा आपने, यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक भी कोड सही है। अब यहाँ पे जब हम जाते हैं और यहाँ जाते हैं अपलोड करने पे, और यहाँ तक आए और ये अपलोड होगा होगा होगा, नहीं हुआ, देखो इंटरनल सर्वर एरर आ गया, कोई मसला आ गया। अच्छा, ये मसला किस चीज़ का है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा ही हुआ मसला आ गया, क्योंकि हमारे पास तो चल जाता है बाद में। देखो बकेट नेम का मसला है, बकेट नेम टू पुट एन ऑब्जेक्ट मैं वन S3, तो मतलब है बकेट नेम देने में कहीं बंद मार दिया है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे है, सर्विस पे मैं आया, यहाँ पे देखो ये बकेट नेम S3 डॉक्यूमेंट, S3 डॉक्यूमेंट से तो पास ही नहीं किया है, ये मिस्टेक क्या, S3 क्रेडेंशियल से जो डिफ़ॉल्ट बकेट नेम उठ रहा है ना अभी, वो उठाना है, क्योंकि मैंने वहाँ से तो पैरामीटर में भेजा ही नहीं है, समझ रहे बात। तो ये हो गया करेक्ट, अब ये डिफ़ॉल्ट बकेट नेम उठेगा। कोड लिखते हुए मैंने बंद कर दिया था, और वॉट एल्स वी नीड, बाकी चीज़ें आ गया सही है। आप यहाँ से ये बकेट नेम ये यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं मॉडल से, तो नहीं, इसको रहने देता हूँ बैक, क्योंकि ये तो इनपुट मॉडल है ना। ओके, नो इशू एट ऑल, यहाँ पर बकेट नेम S3 क्रेडेंशियल से डिफॉल्ट वाला उठेगा अभी तो, अगर ये कोड है तो। और हाँ, ये इनपुट है, इनपुट वाले को आपने यहाँ पास कर देना, वहाँ पे तो कंडीशन लगी हुई है इस मेथड के अंदर गेट एनवायरनमेंट वेरिएबल में, कि अगर वो नल है तो, अगर वो नल है तो फिर वो डिफॉल्ट वाला उठा लेगा, अदरवाइज जो आप पास किया है उसको उठा लेगा वो। ठीक है, अभी तो ये कंडीशन लगी है, बट फर्दर दिस टाइम अभी तो ये होगा कि वो डिफॉल्ट वाला बकेट उठाएगा। ठीक है, इसको आने वाली वीडियो में इस कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा, बट अभी जो मुझे समझ में आया ना वो यही है कि डिफॉल्ट बकेट उठेगी, क्योंकि कोई और बकेट तो बनाई ही नहीं है मैंने, और ना कोई नाम मैं पास कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन लेयर से, तो मैं उसको आने वाली वीडियो में उसको कर दूंगा, इन केस के अगर कोई कमेंट करके मुझे बोले कि ये करो, वरना यू गाइस आर इनफ स्मार्ट कि आप कर लोगे। ओके, अब इसको मैं रन करता हूँ, भाई लाइव कोडिंग है ये, ठीक है, बस करते 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 इसको रिकॉर्ड किया, सही है, और इसमें तो कोई भी पार्ट में कट नहीं कर रहा, चाहे एरर आए कुछ आए, बिकॉज ये एरर भी लर्निंग है हमारे लिए, सही है। तो 15 मिनट आई कैस के आपकी ज़िंदगी के जो है ना बड़े बढ़ते रहते हैं कोई चीज़ अच्छी सीखने के लिए। सो अच्छा, ये देखो ये एक बंड मैंने किया था पिछली वीडियो में, ये देखो ये पहले एक्सेस की मांग रहा सीक्रेट की, और मैं लेजेंडरी तौर पे यहाँ पे दोनों सीक्रेट की दे के बैठा हूँ उसको, यू सी, ये एक और बंड था, ये भी एरर था, इसको भी रिजॉल्व कर लिया जी, अब चलाओ इसको। कि मेरी छठी इस कह रही है ना कि अब ये चल जाएगा, क्योंकि अब सब कुछ गो विद द फ्लो सही तरीके से हो गया। अच्छा, अब इसको जब रन करते हैं ना, लेट्स सी क्या होता है। कमेंट करके बताओ चले गए नहीं। ओके
चलें जी, फाइल चूज़ की यहाँ से, ये स्क्रीनशॉट वाली फाइल है। ओके, कुछ और अपलोड कर लेता हूँ यार, ये सब कुछ इतना बड़ा बड़ा क्यों नज़र आ रहा है? इमेज कहाँ है? चलो ये वाली इमेज अपलोड कर देता हूँ। सही है, क्रिएट। और ये डिबगर लगा हुआ है, चलो भाई डिबगर को आगे निकालो। और ये हो गया सक्सेसफुली। देखें फाइल का नेम बता रहा है, अपलोडेड सक्सेसफुली ऑन डैश। अच्छा देखो, बकेट का नेम है, बट डिफॉल्ट बकेट नहीं निकल रहा। आई विल फिक्स दैट, बट ये काम हमारा हो चुका है, सो वी आर गुड इनफ। अब यहाँ पर आके आप चेक कर लीजिए, देखिए वो फाइल आई है या नहीं आई। उस फाइल का नाम कोई जी यू आई डी सा कुछ बना था, वो देख लेते हैं रिफ्रेश करके। बना होगा, आया होगा यार, सक्सेस दिया उसने तो सक्सेस हुआ है, तो भाई हमें तो पूरी फीलिंग है कि हुआ है। हो गया, देखो अपलोड हो गया, ठीक है, ज़बरदस्त। तो अगर यार ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, हाफिज़।